और ये देखो कुछ भाई लोग अपने गाड़ी को देख के अच्छा लग रहा होगा उन लोगों को, क्योंकि हर आदमी की ड्रीम बाइक होती है। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैं जा रहा हूँ अपनी हयाभूसा को लेके और एक मेरा फ्रेंड आया हुआ है जिससे मैंने आप लोग को मिलाया नहीं, तो उसे भी मैं मिलाता हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं, वीडियो देखो, मजा आएगा आप लोगों को। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो देखो अपनी गाड़ी सही है कि नहीं, सही होगी तो कितनी गंदी हो गई यार, इसको भी निकालना चाहिए, थोड़ा निकाल के इसको साफ साफ करना चाहिए अपने को। वैसे साफ ही रहेगा क्योंकि कवर चढ़ा हुआ है। और बाकी ये देखो सोसाइटी, क्या बोलते भाई कैसे हो? ये देखो रोहित भाई, हम लोग ऐसा फॉर्मेलिटी निभा रहे, वैसे हम लोग थे उधर ही घर में ही थे सब साथ में। कैसे हो बाकी? बस मजे में। मैं तो ऐसा पूछ रहा हूँ, ऐसा हम लोग की बातें हो गई है लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इनका नाम है रोहित सिंह। तो भाई आप क्या करते हो? मैं अभी फिलहाल एमएनसी में, लेकिन एक्टिंग का बहुत शौक रखता हूँ। अच्छा, तो बैठेंगे कुछ करेंगे कुछ नया। तो अभी फिलहाल कलाकार करेंगे कुछ चमत्कार। तो अभी सीन ऐसा है कि भाई के साथ थोड़ा हम लोग की मीटिंग चल रही थी, क्योंकि कुछ नए प्रोजेक्ट मैं अभी लाने वाला हूँ। जैसे आप लोग को मालूम है कि मेरा जो मेन चैनल है विजय पवन सिंह, उसके अंदर मैं कुछ नया नया इनोवेटिव करता रहता हूँ। तो इस बार मैं कुछ नया करने का सोचा हूँ, तो उसके लिए भाई की थोड़ी मदद लगेगी, तो इसके लिए मैंने भाई को कॉन्टैक्ट किया। तो अभी मेरा प्लान ऐसा है कि जो भी होगा वो आप लोग को वो चैनल पर मालूम पड़ेगा। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते, आज हम लोग करने जा रहे हैं मोटर व्लॉगिंग। ये देख सकते हो अपनी हयाभूसा, तो इसको थोड़ा हम लोग राइड करने वाले हैं आज। और आज देखते हैं, थोड़ा दोपहर का टाइम है, वैसे मैं थोड़ा जल्दी निकलने वाला था लेकिन मैं थोड़ा वेट किया, मैंने थोड़ा शाम होने दो, अभी 4 बजने वाले हैं, तो फिर थोड़ा चलते हैं। इसके अंदर पेट्रोल भी डालेंगे, सारा वीडियो आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग वीडियो देखते रहो। और इसका कवर मैंने अमेजोन से मंगा लिया है, वो भी मुझे लगता है एक दो दिन में आ जाएगा, तब तक मैं इससे काम चला रहा था। देखो ये वैगनार का कवर है, लेकिन ये किसी काम का नहीं निकला क्योंकि इतना बड़ा है ना, उसको मैं जब भी डालता था ये बार बार बाहर आ जाता था। तो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। बाकी वैगनार पे तो मैं कवर चढ़ाता ही नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है माचिस है वो, तो उसको जरूरत ही नहीं। अभी भी आधे घंटे बाद निकाल सकता हूँ उसको, ऐसा टाइम है ना, तो इसके लिए फिर उसको वैसे ही रहने देता हूँ। तो रोहित भाई चले। अच्छा, आप पहली बार शायद हयाभूसा पे राइड कर चुके हो? नहीं, पहली बार है मेरा ये, फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस करूंगा मैं, देखना चाहता हूँ। धूम पिक्चर से मतलब एक ख्वाहिश थी कि एक बार हयाभूसा पे जरूर बैठूं। अच्छा अच्छा, सच में पहली बार है क्या? सच में पहली बार। तो एक काम करेंगे, जब हम लोग राइड करेंगे सब हो जाएगा, तो उसके बाद भाई से थोड़ा रिव्यू जानेंगे कि उनको बैठ के कैसा लगा और मजा आया कि नहीं, और भाई को भी थोड़ा चलाने देंगे तो इनका भी एक्सपीरियंस पूछेंगे, फिर तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं चलेगा, तो भाई को भी चलाने देंगे, एटलीस्ट उससे भाई को भी मालूम पड़ेगा ना इसका पिकअप क्या है कैसा है। भाई के पास बुलेट है, तो जब ये चलाएंगे तो थोड़ा अपना भी रिव्यू बताएंगे, तो मजा आएगा। तो चलो चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये देखो चाबी इसकी, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं यहाँ से बाहर और थोड़ा भगाने को मिलता है तो भगाते हैं। बाकी वीडियो आप लोग एंड तक देखो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोग को इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से तो मैं मोटर व्लॉगिंग ही करूँगा, तो अगर सब्सक्राइब हो जाएगा तो ज़्यादा मजा आएगा मुझे। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मजा आएगा आप लोगों को। तो अभी यहां से निकलते हैं, थोड़ा देखो, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। और बाकी यहाँ पे स्विमिंग पूल बन रहा है, इसकी स्टोरी मैं डालते रहता हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उसको पता होगा, जो लोग नहीं फॉलो करता है तो उसको कुछ नहीं पता होगा। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अभी इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मजा आएगा शायद। मुझे लगता है पेट्रोल भी कम है, ये देख सकते हो आप लोग, तो उसके अंदर पेट्रोल भी फिल करना है हम लोगों को। चले रोहित भाई, चले क्या? चले। तो रोहित भाई का पहला एक्सपीरियंस है, आवाज सुनने के लिए बेकरार। अरे बाप रे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। बताया, तो अभी हमारी सवारी निकल चुकी है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं फटाफट आप लोगों को दिखाने को मिलता है, और हम लोग को जो भी चीजें दिखाने मिलेगी आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशानी होती है ये जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं यहाँ पे, उससे थोड़ा ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन ये गाड़ी का एक प्लस पॉइंट ये है कि बहुत आई कैचिंग है, मतलब जिसको नहीं भी देखना रहेगा वो भी देखेगा। तो आप
लोग अभी थोड़ा एंजॉय करो। चलो तो अभी हम लोग निकल चुके हैं हाईवे की तरफ। फिलहाल तो यही है अपना छोटा मोटा हाईवे, तो इसी के ऊपर थोड़ी गाड़ी चलाएंगे। और देखिए मेन पर्पस ये था कि आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना था और आप लोगों से बातें भी हो जाती है इसी बहाने, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग करते और आप लोगों से बातें भी हो जाएगी। तो वीडियो को एंजॉय करते रहो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करोगे तो फिर ऐसे वीडियोस और बनेंगे ये चैनल पे, तो मजा आएगा आप लोगों को। लाइक मारो। तो अभी करते हैं इसमें पेट्रोल फिल, ऐसे था थोड़ा पेट्रोल फिल करो। तो नेट चालू है ना, क्या स्कैन गूगल पे है ना कार्ड, और गूगल पे नहीं है, गूगल पे कर लेना पड़ेगा, होता है नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे बाप रे, कार्ड तो लाया नहीं मैं, कर लो मैं पहले कर लूँ क्या, जो भी रहेगा। अच्छा 1000 का करूँ क्या, बाकी बचेगा तो आप ला के देना। तो ऐसा करते हैं, चलो क्योंकि मैं कार्ड लेके नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ अंकल काका एक मिनट थोड़ा सर को तो मजा आएगा। रोहित भाई थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है इसमें, हैवी बहुत है, थोड़ा धक्का दो सिर्फ पीछे का, साइड में कर लेता हूँ मैं फिर वापस। तो पहले गूगल पे कर लेते हैं, बस। बाकी बहुत हैवी गाड़ी है, आप लोग को मजा आया कि नहीं, मजा तो आया होगा। और मैं ना फर्स्ट गियर ट्राई किया, मैंने फर्स्ट गियर में ये कम से कम 100 तक तो ऐसी भागी, मैंने उसको और खींचा भी, 120 टच हो रही थी, ऐसा लग रहा था हवा से बात कर रहा हूँ, लेकिन मजा आता है। तो अभी ये काम करते हैं, पहले स्कैन मारते हैं, ऐसा लू क्या, ऐसा इधर डाल दोगे। तो अभी पेमेंट हो चुका है 1000 रुपये का, और 1000 रुपये का पेट्रोल डालते इसके अंदर, मजा आएगा मस्त। तो मैं सोच रहा हूँ एक रील भी बना दूँ, एक रील बनाएगा रील, ठीक है, तो वो रील बनाने में ज़्यादा मजा आएगा। कहाँ गया, 1000 रुपये किया है सर। अभी एक इसमें रील बनाते हैं, उनको पहले मोबाइल निकालो, वो रील आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा, मुझे फोन भी आ रहा लगता है। पेट्रोल भर लिया है 1000 रुपये का, और रील्स भी बन चुका है, मैं आप लोगों को देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे। तो अभी गाड़ी उधर खड़ी है, फटाफट लेके फटाफट बाय बाय होते हैं। और ये देखो कुछ भाई लोग अपने गाड़ी को देख के अच्छा लग रहा होगा उन लोगों को, क्योंकि हर आदमी की ड्रीम बाइक होती है, तो मुझको भी अच्छा लगता है जब दूसरे को अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं, अभी जहाँ जाने वाले हैं वहाँ टाटा बाय बाय होते हैं। ऐसे लोग देखने लगते हैं तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, और अच्छा भी लगता है, दोनों चीज लगती है। फिर ऐसा लगता है कि यू हैव समथिंग, कि लोग देख रहे हैं कुछ अच्छा लगता है मतलब। तो चलो चलते हैं, गाड़ी 1000 रुपये का पेट्रोल हो गया, ये देखो फुल नजर आ रहा है, फुल 1000 रुपीज में फुल हो गया, देख रहे हो आप लोग। तो अभी फगाने में मजा आएगा, सोचो इतने महंगाई के जमाने में पेट्रोल फुल हो रहा है, वाह। फाइनली हम लोग पहुंच गए जहां पे हमको पहुंचने का था, ये हालत देखो पूरा एकदम खराब हो चुकी है, हालत एकदम खराब हो चुकी है। तो अभी सनी भाई को फोन लगाते हैं जिससे मिलना है हमको, और उसके बाद फिर कैसी है गाड़ी, अच्छी है, ठीक ठाक है। अब
अच्छा लग रहा है? हाँ। चलाओगे गाड़ी? चलाओगे? चलाओगे तो चलाओ, चलाओ यार। देखो पैर पैर पहुंचता है क्या? पहुंच जाएगा। चलो बैठते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ बैठते हैं सेफ्टी पास लेते हुए। सेफ्टी फर्स्ट। मजा आया। लेकिन तो भाई अपना पेमेंट कर रहे हैं, कितना हुआ भाई? कितना पेमेंट हुआ? मैं देने वाला था लेकिन इसने रोक लिया मेरे को बोलता मैं देता हूँ। भाई अपना क्या बोलते? भाई हाई करो। तो अभी बिल देते हैं मस्त, और उसके बाद घर पे निकलते हैं मस्त। पिन दिख जाएगा नहीं तो पिन देखो आप लोग। और रही बात अपनी गाड़ी की, तो गाड़ी ये देखो इधर खड़ी है मस्त एकदम। थोड़ा धूल मिट्टी लग गया है इसको, लेकिन फिर भी रेडी है भागने के लिए। अभी थोड़ा इसको धुलाऊंगा एक बार, और अभी इससे घर निकलते हैं तुरंत। और अभी हम लोग किधर है आप लोग खुद बताओ, किधर है हम लोग? क्या लगता है आप लोग को देख के? टाइम देखो 6 बजने जा रहे हैं, तो जल्दी से घर भी निकलना होगा। और भाई रोहित सिंह, मजा आया हमको आज? मजा आया कि नहीं आज? बस इंतजार है अभी मंडे का। हाँ मतलब देखो रोहित ने पहले ही बता दिया कि मंडे को कुछ खास होने वाला है। मैंने भी नहीं सोचा था कि होगा, लेकिन अब डिसाइड हो ही गया है, तो फिर मंडे को एकदम मतलब झंडा गाड़ना है। सिर्फ मंडे को झंडा गाड़ना है कि नहीं सनी? मंडे को झंडा गाड़ना है कि नहीं? झंडा गाड़ के तोड़ देना। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, आप लोग को आगे मिलते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मैं कहाँ पे आया हूँ। तो अभी टाइम है रोहित भाई को गाड़ी देने का, और रोहित भाई चला के देखेंगे कि इनको कैसा लगता है, मज़ा आएगा नहीं आएगा, ये जो भी अब रोहित भाई के ऊपर है। अभी ये हेलमेट मैं रोहित भाई को दूंगा, रोहित भाई पहनेंगे और आप लोगों से बातें करेंगे कि उनको चलाने के बाद कैसा लग रहा है। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि मैं भाई ज़्यादा दूर तक तो नहीं चलाऊँगा, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस लूँगा कि कैसा मतलब कैसा लगता है। तो एक बार रोहित भाई को अभी हेलमेट देते और वो आप लोगों को बताएंगे खुद चला के कि गाड़ी को कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग को भी चलाना होगा किसी को तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है? तो अभी रोहित भाई को देते हैं हेलमेट और रोहित भाई चलाएंगे और आप लोग से बातें भी करेंगे, ठीक है? चलो। तो अभी हेलमेट रोहित भाई ने पहन लिया है, तो अभी ये खुद चलाएंगे और आप लोगों से बातें करेंगे और बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है जितना भी ये चलाए, ठीक है? देखते रहो। ओके चलो तो स्टार्ट करते हम। चलो देखते कैसा लगता है। रॉयल एनफील्ड चलाता हूँ मुझे, तो रॉयल एनफील्ड में तो मुझे एक रॉयल वाली फीलिंग आती है। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ, मैं ये हायाबुसा हमेशा मैं रॉयल एनफील्ड चलाता था। रॉयल एनफील्ड में एक अलग ही बात है, लेकिन आज स्पोर्ट्स बाइक में बैठने के बाद ऐसा लग रहा है नहीं, स्पोर्ट्स बाइक ऐसे ही नहीं बोला जाता है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, आप देख ही सकते हो। ग्रिप बहुत ही अच्छा है टायर का, मुझे काफ़ी पसंद है। साइड लाइट चालू है वो बंद कर देता हूँ मैं। फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ और ये फर्स्ट टाइम का जो मैं कह सकता हूँ ये स्पीड ब्रेकर मुझे पसंद नहीं। मुझे क्या, आप सभी को ही पसंद नहीं होगा स्पीड ब्रेकर। देखते हैं कैसा है और जानते हैं इसके बारे में। तो काफी मजा आ रहा है, आप लोगों को कैसा मजा आएगा वो आपको एक बार सीरियसली एक बार आपको ड्राइव करके देखना चाहिए इस बारे में। तो मुझे लगता है कि ये फिर से स्पीड ब्रेकर जो कि नहीं पसंद, अभी मेरे से ज्यादा संभला हुआ है। अभी फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता आपको कैसी है। काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे चला के, और ये सब कुछ सच में बोल रहा हूँ मेरे भाई पवन के वजह से हो रहा है कि मैं आज मैं मेरा ड्रीम बाइक चला पा रहा हूँ। पवन भाई अगर नहीं होते तो शायद नहीं चला पाता। ये पूरा क्रेडिट जाता है पवन भाई को, उन्होंने आज मुझे अपने घर पर बुलाया
और इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया कि मैं क्या बताऊँ, काफ़ी डाउन टू अर्थ है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है फिलहाल चला के। और मज़ा और भी बढ़ जाता है जब लोग आपके तरफ देखते हैं। जब लोग आपके तरफ देखते हैं और ये पुलिस फोटो लेते हुए पता नहीं किस चीज़ के लिए। हमने तो हेलमेट पहने ही है, और क्या चाहिए उन्हें। तो फाइनली रोहित भाई ने गाड़ी चला ली है, तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे काफ़ी मज़ा आया। इसकी जो ग्रिप है टायर की, हाँ हाँ, वो काफ़ी अमेजिंग है। अच्छा, मतलब ऐसे लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। इतनी जो रोड पकड़ के चलती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कैसा लगा बाकी एक्सीलेटर दे रहे थे, कैसा लग रहा था जो साउंड है? मैं तो पहले से ही मतलब दीवाना हूँ, मतलब स्पोर्ट्स बाइक कोई भी, और ऊपर से हायाबुसा, अमेजिंग फीलिंग है ये, मैं बता नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पवन भाई को बोलूं कि यार ये गाड़ी मैं आज रात लेके ही जाता हूं। मैं पूरे जी भर लूं, लेकिन नहीं, काफ़ी। लेकिन मज़ा आया कि नहीं आपको? काफ़ी मज़ा आया। तो बाकी मुझे लगता है कि अभी रोहित भाई का सारा एक्सपीरियंस आप लोगों ने जान लिया होगा, गाड़ी चलाने का भी, गाड़ी पे बैठने का भी सारा एक्सपीरियंस रोहित भाई ने आप लोग को बता दिया होगा। रोहित भाई, अच्छा लगा ना आपको? काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये आवाज़ तो मुझे पागल करती है काफ़ी। तो अगर आप लोग को वीडियो में मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो आप लोग देखते रहो, और ये चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटो व्लॉगिंग से ही रिलेटेड वाला कंटेंट देखने को मिलेगा। और रही बात कि हम लोग की मीटिंग क्या हुई, हम लोग क्या करने वाले, वो सारा आप लोगों को मेन चैनल पर देखने को मिलेगा, इवन डेली व्लॉग्स पर भी देखने को मिलेगा। तो वीडियोज़ देखते रहो भाई। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, दबा के शेयर करो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू टिल देन, वॉच अवर वीडियो, बाय बाय।